दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं कि आप अपने जन्म की तारीख से पता कर सकते हैं कि आपको बीवी कब होगी, यानी आपको बच्चे कब होंगे, आपके घर कब संतान आएंगे, आप ये पता कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ से आप पता कर सकते हैं कि आपको कब संतान होगी। आप लोशो ग्रिड की सहायता से मैं बताऊंगा कि आपको किस संतान की प्राप्ति कब होगी। जान मान लिया जाए किसी जातक का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 17/2/1980 है, 17/2/1980 है, और ये हमारा लोशो ग्रिड है। लोशो ग्रिड में सबसे पहला जो होता है वो थॉट का होता है, मतलब सोच विचार का होता है। दूसरा जो होता है विल का होता है, विल पावर की जो जातक होंगे उनका विल पावर कैसा होगा। तीसरा जो होता है डिजायर, जातक की डिजायर क्या होगी, क्या इच्छा है, क्या मनोकामना है, क्या जिज्ञासा रखते हैं। दूसरा जो है इधर इमोशनल है, फिर मेंटल है, ये क्रिटिकल है। ये लोशो ग्रिड का इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको कि हमें ध्यान में रखना होता है। दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ इस हमारे लोशो ग्रिड्स में कुछ नंबर दिए हुए हैं, उनको ध्यान से देखिए। पहले ग्रिड में नंबर है 4, दूसरे ग्रिड में नंबर है 9, और तीसरे ग्रिड में नंबर है 2, चौथे ग्रिड में नंबर 3, और पांचवें ग्रिड में है नंबर 5, और छठे ग्रिड में नंबर 7 है, और सातवें ग्रिड में नंबर 8 है, और आठवें ग्रिड में मेरा नंबर 1 है, और नवें ग्रिड में नंबर 6 है। तो ये चार्ट जो होता है आपका पहला नंबर है, ठीक है, आप जानते हैं 1 जो होता है सूर्य का होता है। लोशो ग्रिड में 1 जो है सूर्य को इंडिकेट करता है, और दूसरा नंबर जो है यहाँ पर दिया हुआ ये चंद्रमा को बताता है, और तीसरा ग्रिड जो दिया हुआ है यहाँ पर ये जुपिटर को बताता है, और पांचवा जो डिजिट है ये बताता है बुध को बताता है, और यहाँ जो छठा डिजिट लास्ट में दिया हुआ है ये शुक्र को बताता है, और सातवां केतु की दशा को बताता है, आठवां शनि की दशा को बताता है, और नवां मंगल की दिशा को बताता है कि हमारे मंगल का दिशा क्या है। जैसा कि दोस्तों हम लोशो ग्रिड में जो मेल प्लेनेट है उस पर ज़्यादातर फोकस्ड रहते हैं, क्योंकि हमारा जो मोटो है ये बताना है कि कब हम ये भी लोशो ग्रिड और अपने जन्म कुंडली से बता जन्म तारीख से बता सकते हैं कि आपको जो बेबी बॉर्न होगी वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो प्लेनेट के अनुसार से हो दोस्तों, हमारे पास जो प्लेनेट सिस्टम है उसमें कुछ प्लेनेट जो हैं मेल प्लेनेट हैं और कुछ प्लेनेट जो हैं फीमेल प्लेनेट हैं। तो दोस्तों हमारे पास जो मेल प्लेनेट हैं वो सबसे पहले घर में 1, सबसे पहले ये जो 8वें घर में जो 1 है ये सूर्य का है, ये हमारा मेल प्लेनेट है। दूसरा जो है मंगल जो 9 दूसरे घर में पड़ा हुआ है ये मंगल को बताता है, 9 मंगल को बताता है, मंगल भी हमारा मेल प्लेनेट है। एक और प्लेनेट है जिसको मैं ज़्यादा करके कंसीडर करता हूँ दोस्तों, वो है केतु जो 6ठे अंक में है, 7 जो है, 7 जो अंक है वो केतु का होता है। ये तीनों लोशो ग्रिड के अनुसार मेल प्लेनेट कहे जाते हैं, और जितने भी प्लेनेट हैं फीमेल प्लेनेट हैं दोस्तों। तो हम चलते हैं, अब हम पता करेंगे डेट ऑफ बर्थ से। मान लिया जाए कि किसी जातक का जो डेट ऑफ बर्थ है 17/2/1980 है, ठीक है, तो हम लोग इसका ड्राइविंग से पता करते हैं। जैसे D=1, 17 लिया गया है, इसके डिजिट को ऐड कर देते हैं, 1+7=8 हो जाता है। अब एक सी से लेते हैं, सी को लेकर के पता करते हैं, ये जो हमारा 17 है और 2 है इसको ऐड कर देते हैं, तो 1+7=8 और 2 इसका डिजिट हम पता करते हैं, और ये इसका पहला डिजिट 1 लेते हैं तो ये 11 आ जाता है। 11 का डिजिट सम जो होता है वो होता है 1+1=2 होता है दोस्तों। इसे मैंने देखा दोस्तों कि D=8 आता है और C=2 आता है। यहाँ जो 8 है
ये शनि को इंडिकेट कर रहा है, और C=2 जो है चंद्रमा को इंडिकेट कर रहा है। आप जानते हैं दोस्तों, शनि और चंद्रमा की कभी साथ में नहीं बनती है। चंद्रमा स्वभाव वाले व्यक्ति जो होते हैं काफी चंचल होते हैं, ये दिन में भी कुछ कर सकते हैं, रात में भी अच्छा कर सकते हैं। जिस समय प्रोगेनी का फॉर्मेशन होना होगा उस समय कर सकते हैं, लेकिन इसके मार्ग में एक बाधा जो है, ये D=2 जो 8 आया है, ये शनि का जो बाधा है ये उत्पन्न करता है। शनि इसके दोनों ही स्थितियों में व्यवधान पैदा करता है दोस्तों। दिन के समय भी शनि चंद्रमा वाले को व्यवधान पैदा करता है, और रात के भी समय व्यवधान। लेकिन अगर हाँ, अगर जातक का कर्म अच्छा है तो शनि भी इनका कुछ नहीं कर पाएगा, ये अपने जो मिशन है उनमें सफल हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं मेल प्लान पर डिस्कस करते हैं। मेल प्लेनेट तो आपको बता ही दिया हूँ, पहला में है सन, आपका मेल प्लेनेट है। फिर आपका 9 में मार्स जो है, मंगल, ये मार्स जो है ये भी मेल प्लेनेट है। और फिर तीसरे में ये केतु है, ये क्या कहते हैं, ये केतु, हमारा केतु जो 7वें नंबर पर केतु है, ये भी हमारा मेल प्लेनेट है दोस्तों। तो दोस्तों ये अगर मेल प्लेनेट है तो हम लोग तो यहाँ पर देख ही चुके हैं, और लोसो ग्रिड इसका बनाना एग्जैक्टली संभव कैसे होगा, तो हम इसके लोसो ग्रिड कैसे फॉर्मेशन होगा इस पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा कि ये जो 1 है 2 बार रिपीट हो रहा है, हमारे पास जो 1 है वो 2 बार रिपीट हो रहे हैं, एक हमारा डिजिट सम में आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर तो ये 1 2 बार लिख दिया। फिर ये 8 है, 8 का रिपीटेशन एक यहाँ है, एक हमारे डिजिट सम में डी में आ रहा है, तो 8 का भी रिपीटेशन है। फिर 7 देखा जाए तो 7 का रिपीटेशन नहीं है, क्योंकि 7 एक बार आया है। फिर 2 का रिपीटेशन देखा जाए, 2 यहाँ भी आया है और यहाँ भी 2 आया है, 2 का रिपीटेशन है, तो 2 का रिपीटेशन कर देंगे। और 9 का रिपीटेशन नहीं, 9 एक ही बार आया तो 9 एक ही बार उतार देंगे। जो जैसे ग्रह में है अपने घर में, लोसो ग्रिड की सहायता से हम भर दे लोसो ग्रिड हम क्रिएट करते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ से जो डिजिट आता है उसे हम अपना लोसो ग्रिड के डिजिट को भर देते हैं दोस्तों। अब क्या है, अब हम पता करते हैं, जैसे 8 है, ठीक है, हमारे पास 4 लोसो ग्रिड में हैं, ठीक है, तो 8 × 4 = 32 हो जाता है। फिर अगर 7 लेते हैं, ठीक है, ये 4 आया कहाँ से, तो ये 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है। फिर 8 × 7 = 56 होता है। फिर 8 × 7 देखा जाए इस अंक में 56 होता है। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, 8 × 2 = 1 + 1 = 2 होता है, ये 16 होता है दोस्तों। तो हम इसके सब डिजिट सम पर ध्यान देते हैं, ठीक है, तो टोटल डिजिट सम आपका 20 आता है, 32 आता है, 56 आता है, 16 आता है, 81 आता है, 14 आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 56 में से 32 माइनस करेंगे, ठीक है, 56 में यहाँ 32 माइनस करेंगे, तो हमारा जो डिजिट आता है ये हमारा मेल बॉर्न बेबी या फीमेल। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि हमारे जातक के जन्म तिथि से कि कैसे उनको कब उनको बेबी बॉर्न होगा। जैसे यहाँ पर 1980 दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से हमारे लोसो ग्रिड में जो डेट बनता है लगभग आपके 21 साल बाद बनता है, जो कि 2001 में चांस है कि वो उनके घर शिशु उत्पन्न हो, ठीक है। और फिर ढैया देखा जाएगा, शनि की अगर महादशा चलेगी तो हो सकता है कि वो 2003 के आसपास में उनके घर बच्चा हो, या 2005 ईस्वी में उनके घर बच्चा हो। ये 3 स्थितियाँ ज़्यादा ही संभावित स्थिति है जिनके घर में उनके संतान क्रिएट हो सकते हैं। दोस्तों मेरे पास ऐसा भी टेक्निक है जिससे आप पता कर सकते हैं लोसो ग्रिड में और ज्योतिष अंक में कि आपको संतान कब उत्पन्न हो, संतान जो होंगे वो मेल होंगे या फीमेल होंगे। हालांकि हम मेल और फीमेल में, हमारा चैनल मेल और फीमेल को ज़्यादा स्पेशली फोकस्ड नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि हमारा चैनल का मोटो ही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे दृष्टिकोण से बेटियां भी सर्वोत्तम होती है, बेटियां भी जो चाहे वो कर सकती है,
जो चाहे वो मुकाम हासिल कर सकती है। आज के डेट में बेटियां भी किसी भी फील्ड में कम नहीं है दोस्तों। फिर भी आप अगर आप चाहते हैं कि एग्जैक्ट कि आपको संतान में मेल होगा या फीमेल होगा, तो आप हमारे अगले वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। उसमें बताऊंगा कि ये एग्जैक्ट बताऊंगा कि मेल होगा या फीमेल होगा। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल बटन दिख रहा है ना, उसको ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।